बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेसन नंबर 12, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन कन्वेंशन, तीन धन आदमी थे जो कि जिन्हें मेजाई कहा जाता था, और इनके नाम मेल्चियर, कैस्पर और बेलशस्सर थे। तीनों का ये मानना था कि लफ्ज़ मोहब्बत जो है, ये जब इसे अदा किया जाता है तो लब दो बार एक दूसरे का बोसा लेते हैं, और जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं वो एक दूसरे की खुशी की खातिर अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी खो जाने की परवाह नहीं करते। ऐसी ही मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान जिम और डैला की है। जिम एंड डैला आर हस्बैंड एंड वाइफ रेसिप्रोकली। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे की खुशी के मुतलाशी हैं, बट बोथ वर पुअर। जिम सारा दिन मेहनत करके वो बमुश्किल ही घर का गुजारा चलाता है, और डैला जो है वो घरेलू खातून है। शी लव्स हर हस्बैंड इंटॉक्सिकेटिंगली, शी वॉज एन अकम्पलिश्ड वूमेन। वो एक एक पाई जोड़ती है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। क्रिसमस का त्यौहार आ गया है, बोथ वॉन्टेड टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। डैला जब अपनी सेविंग्स चेक करती है तो उसके पास $1.87 हैं, जिससे वो जिम के शायान शान कोई जो है गिफ्ट नहीं खरीद सकती। शी थिंक्स मैनी टाइम डैट वट शुड शी डू शी डू, और अचानक जो है उसके जहन में ख्याल आता है कि उसके सुनहरी बाल, एक्चुअली डैला के जो है सुनहरी और ख़ूबसूरत बाल हैं, जब वो उन्हें खोलते हैं तो आबशार की तरह नीचे गिरते हैं और उसके घुटने तक पहुंच जाते हैं। डैला फौरन बाज़ार जाते हैं, उन्हें बेचकर जिम की तलाई घड़ी के लिए उमदा चेन ख़रीद लेती है। एक्चुअली जिम हैज़ अ रिस्ट वॉच विच हैज़ नो चेन, और जिसकी वजह से उसे पहन नहीं सकता, बल्कि अक्सर वो उसे अपनी पॉकेट में रखता है। डैला गिफ्ट खरीद कर जो है घर पहुँचती है, और इसी स्नाह में जिम जो है वो भी घर पहुंच जाता है। जिम जैसे ही उसके बालों को देखता है, उसके यानी कटे हुए बाल देखता है, तो वो रंजीदा और दम बखुद हो जाता है। डैला उसे जो है मुतमैन करने की कोशिश करती है, और बहरहाल जिम फिर अपनी पॉकेट से एक पेपर में लिपटी हुई कोई चीज़ निकाल के टेबल पर रख देता है। डैला जब वो जो है पेपर खोलती है तो वो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि उसमें से जवाहरात से जड़ी हुई एक कंघियाँ निकलती हैं, और डैला जो है जब देखती है कि ये तो वही कंघियाँ हैं जो अक्सर वो एक शॉप की विंडो से ललचाई हुई नज़रों से देखा करती थी, मगर वो जानती थी कि वो उन्हें ख़रीद नहीं सकती क्योंकि दीज वर वेरी कॉस्टली। तो अब वो दोनों गिफ्ट्स उनके पास मौजूद हैं, मगर वो दोनों उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये था इस आज के हमारे टॉपिक का थीम। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेसन नंबर 12, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, यानी मेजाई का तोहफ़ा। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई यानी मेजाई का तोहफ़ा। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। $1.87, $1.87, दैट वाज ऑल, यही सब कुछ था, यानी सारी जमा पूंजी यही थी। शी हैड पुट इट असाइड $0.01 एंड देन अनदर एंड देन अनदर इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड। वो जो है यानी जो औरत थी डैला, तो वो गोश्त और दीगर अशय खुरनोश की ख़रीदारी की मोहतात ख़रीदारी करते वक्त एक एक पाई जोड़कर उसने यही जमा पूंजी की थी, यही कुछ जमा किया था या यही उसने बचत की थी। डैला काउंटेड इट 3 times, यानी डैला ये वही औरत है जिसका तस्करा चल रहा है। डैला जो है, डैला ने इसे 3 बार शुमार किया। $1.87, $1.87, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन क्रिसमस का त्यौहार था। देर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, यानी बिस्तर पर गिरने पड़ने और रोने के सिवा कोई दूसरा काम ना था। सो डैला डिड इट, बस डैला ने ऐसा किया। $1.87 टू बाई अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम का तोहफ़ा ख़रीदने के लिए महज $1.87। हर जिम उसका अपना जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम। उसके पास जो है उसके लिए कोई उम्दा तोहफ़ा ख़रीदने के लिए जो है उसने अपने कई लुत्फ़ आवार घंटे जो है गुजार दिए इसी सोच में। समथिंग नियरली गुड इनफ, करीब करीब कोई ख़ासी उम्दा चीज़,
समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, यानी जिम से, जिम की नस्बत से उसके एजाज़ व वक़ार के शायान शान कोई कीमती चीज़। द जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स विच दे ओन्ड। जेम्स डिलिंगम यंग्स जो है ख़ानदान को अपनी दो चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र था। वन थिंग वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक चीज़ जिम की तिलाई घड़ी थी। इट हैड वंस बिलोंगिंग टू हिज फादर, ये कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। एंड लॉन्ग अगो, और उससे पहले इट बिलोंग टू हिज फादर्स, और ये उसके कभी, और फिर उससे पहले ये उसके बाप की मिल्कियत थी। द अदर थिंग वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज़ डेला के बाल थे, यानी ये दो चीज़ें उसके पास हुआ करती थी। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, अगर जो है कोई मलका उनके घर के करीबी कमरे में रिहाइश पजीर होती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर वेयर क्वीन कुड सी इट, तो डेला जो है अपने बालों को वहाँ धोती और खुश करती जहाँ से वो मलका, वो क्वीन कुड सी इट, इसे देख सकती। डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी क्वींस ज्यूज एंड गिफ्ट्स, डेला जानती थी कि उसके बाल जो हैं किसी मलका के लाल और जवाहर और तवाफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। इफ़ आ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर कोई बादशाह जो है उसी घर में रहता विद ऑल हिज रिचेज, अपनी तमाम दौलत व सर्विस के साथ, जिम वुड हैव लुकड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, तो जब जब वो मिलते तो जिम अपनी घड़ी को बार बार देखता। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनी थिंग सो वैल्यूएबल, जिम जानता था कि इतनी कीमती चीज़ किसी भी बादशाह के पास नहीं है। सो नो डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, बस अब डेल उसके गिर्द जो है खूबसूरत बाल गिर पड़े, यानी बस अब डेला के गिर्द उसके खूबसूरत बाल गिर पड़े। शाइनिंग लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, यानी सुनहरी आबशार की तरह, सुनहरी आबशार की गिरते धारे की तरह चमक रहे थे। इट रीच्ड बिलो हर नी, या उसके जो है घुटनों के नीचे पहुंच गए। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू अ ड्रेस फॉर हर, ये तकरीबन उसका लिबास ही बन गए। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन नर्वसली एंड क्विकली, उसने बदहवासी से और तेज़ी से दोबारा ही फिर से इन्हें अपने सर पर जोड़ लिया, यानी इन बालों को जोड़ लिया। वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, एक दफ़ा जब वो एक लम्हे के लिए रुकी, एंड स्टूड स्टिल वाइल अ टीयर आर टू रैन डाउन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक या दो जो कतरे थे आंसू के वो गिर पड़े। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने जो है अपना पुराना सुनहरी कोट पहन लिया। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपनी पुरानी भूरी हैट पहनी। विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज, उसकी आँखों में जो है रोशनी चमक रही थी। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर एंड डाउन टू द स्ट्रीट, वो जो है शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे के बाहर तेज़ी से निकली। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और गली में बाहर आ गई। वेयर शी स्टॉप्ड, जहाँ वो रुकी। द साइन सेड, यानी साइन बोर्ड पर तहरीर था मिसेस सफरोनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी मिसेस सफरोनी तमाम किस्म के बाल। अप टू द सेकेंड फ्लोर डेला रैन, दूसरी मंजिल तक डेला दौड़ती गई। एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रीथ, और रुकी कुछ सांस लेने के लिए, यानी अपना सांस बहाल करने के लिए रुकी। मिसेस सफरोनी लार्ज टू वाइट कोल्ड आइड लुकड एट हर, यानी तराज कद बेहद सफ़ेद सर्द महर मिसेस सफरोनी ने उसको देखा, यानी डेला को देखा। विल यू बाय माई हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी, आस्क डेला, डेला ने पूछा। आई बाई हेयर, मैं बाल खरीदूंगी, सैड मिसेस सफरोनी, मिसेस सफरोनी ने कहा।
टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट उतारो एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे इस पर नज़र डालने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, यानी डाउन फेल द ब्राउन, सुनहरी आबशार नीचे गिर पड़ी। $20, सेड मिसेस सफरोनी लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, इसका वज़न जो है जांचते हुए बालों को उठाकर मिसेस सफरोनी ने कहा। $20, $20। गिव इट टू मी क्विकली, सेड डेरा, डेरा ने कहा मुझे जल्दी से दे दो, मुझे जल्दी से इधर दो। अच्छा, ओह एंड द नेक्स्ट टू आवर्स सीम टू फ्लाई, आहा अगले दो घंटे जो है वो गोया उनको पर लग गए। शी वॉज गोइंग फ्राम वन शॉप टू अनदर, वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक फिर रही थी टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम का तोहफा ख़रीदने के लिए। शी फाउंड एट लास्ट, आखिरकार उसने इसे पा लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये यकीन जिम के लिए बनाई गई थी। फॉर नो वन एल्स, किसी और के लिए नहीं। देर वॉज नो अदर लाइक इट एनी ऑफ द शॉप्स, गोया इस जैसी गोया इस तरह की किसी दुकान में इस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एंड शी हैड लुकड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर में मौजूद हर दुकान को छान मारा। इट वॉज़ अ गोल्ड वॉच चेन वेरी सिंपली मेड, ये बहुत सादगी से तैयार की गई सुनहरी तिलाई घड़ी की चेन थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इसकी जो कदर कीमत थी वो इसकी आला और ख़ालिस मवाद में मुजम्मर थी। बिकॉज इट वॉज़ सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये बहुत सादा और गैर मरसा थी। यू न्यू दैट, तुम जानती हो कि इट वॉज़ वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी होती हैं। इट वॉज़ गुड इनफ फॉर द वॉच, ये तलाई घड़ी के लिए खासी मुनासिब थी। As soon as she saw it, जो ही उसने उसे देखा, she knew that Jim must have it, उसे मालूम हो गया कि यही जिम के लिए ज़रूरी है। It was like him, ये उसी की तरह था। Quietness and value, खामोश और के कदर कीमत वाला। Jim and the chain both had quietness and value, जिम और उसकी उम्दा चेन दोनों ही जो है खामोश और कदर कीमत वाली थी, यानी जिम और सादगी और कदर कीमत वाली थी। क्वाइटनेस का मतलब यहाँ पे है सादगी। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जिम और उसकी उम्दा चेन दोनों सादगी और कदर कीमत वाली थी। शी पेड $21 फॉर इट, उसने इसके लिए $20 अदा किए एंड $21 अदा किए। एंड शी हरीड होम विद द चेन और वो एंड 87 सेंट्स, और वो चेन और 87 सेंट्स के साथ जल्दी से घर आई। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनी वेयर ही माइट बी। अच्छा, जिम जो है वो अपनी घड़ी पर चेन के साथ कुड लुकड एट हिज वॉच अपनी घड़ी पर देख सकेगा एंड लर्न द टाइम एनी वेयर ही माइट भी, और जहाँ कहीं भी वो होगा उसे वक्त का पता चल जाएगा। दो द वॉच वॉज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत उम्दा थी, इट नेवर हैड अ फाइन चेन, और इसने कभी इस तरह की चेन जो है इसे मैसर नहीं आई थी। ही समटाइम्स लुक इट आउट, वो बाज़ औक़ात इसे बाहर निकालता। एंड लुकड एट इट ओनली व्हेन नो वन कुड सी हिम डू इट, और महज उस वक्त जब उसे कोई नहीं देख रहा होता था वो इसे देखता था। व्हेन डेला अराइव्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड अ लिटल, उसका जहन कदरे खामोश हो गया, कदरे पुरसकून हो गया। शी बिगैन टू थिंक मोर रीज़नेबली, उसने जो है उसने वो कुछ और ज़्यादा होशमंदी से सोचने लगी। रीज़नेबली कहते हैं होशमंदी से। शी बिगैन टू थिंक, वो सोचने लगी मोर रीज़नेबली और ज़्यादा होशमंदी से। शी बिगैन टू थिंक मोर रीज़नेबली, वो और ज़्यादा होशमंदी से सोचने लगी। शी स्टार्टेड टू ट्राई टू कवर द सैड मार्क्स ऑफ व्हाट शी हैड डन, उसने कोशिश करना शुरू कर दी छुपाने की। द सैड मार्क्स ऑफ व्हाट शी हैड डन, जो कुछ वो कर
चुकी थी उसके अफसुर्दा निशानात। तो जो कुछ वो कर चुकी थी उसके अफसुर्दा निशानात वो छुपाने की कोशिश करने लगी। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, चाहत और लंबे, लार्ज हार्टेड गिविंग यानी चाहत और फ्याजाना या खुले खुले दिल की इनायत जब वहाँ मिल जाएं। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, चाहत और खुले दिल की इनायत, लार्ज हार्टेड गिविंग यानी खुले दिल की इनायत, व्हेन एडेड टुगेदर जब वहाँ मिल जाएं, कैन लीव डीप मार्क्स, तो वो गहरे निशानात छोड़ जाती हैं या छोड़ सकती हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को छुपाना कोई कभी ईजी आसान नहीं था। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, नेवर ईजी कभी भी नहीं। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर हर हेड लुकड अ लिटल बेटर, उसका सर जो है वो कदरे बेहतर दिखाई दे रहा था। विद हर शार्ट हेयर, छोटे बालों के साथ, शी लुक वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो हैरान कन अंदाज में एक स्कूल के लड़के की तरह दिखाई दे रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी अरसे तक एक आईने के सामने खड़ी रही। इफ़ जिम डज नॉट लाइक मी, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इफ़ जिम डज नॉट लाइक मी बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम, अगर वो दूसरी मर्तबा मुझे देखने से पहले जान से नहीं मार देता, ही विल से, तो उसे ज़रूर कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल हु वर्क्स फॉर मनी, मैंने एक ऐसी लड़की देखी है जो पैसों के लिए काम करती है। बट वट कुड आई डू, मगर मैं क्या कर सकती थी, ओह काश, वट कुड आई डू विद अ डॉलर एंड 87 सेंट्स, मगर मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी। एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, 7 बजे जिम का खाना उसके लिए तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी देर से नहीं आया था। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हेड इन हर हैंड, डेला ने जो है थाम लिया घड़ी की चेन को इन हर हैंड, अपने हाथों में, डेला ने अपने हाथों में घड़ी की चेन को थाम लिया। एंड सैट नियर द डोर, और दरवाजे के करीब बैठ गई। वेयर ही ऑलवेज इंटर्ड, जहाँ से वो हमेशा दाखिल होता था। देन शी हेयर्ड हिज स्टेप्स स्टेप्स इन द हॉल, फिर उसने हाल में उसके कदमों की चाप सुनी। एंड हर फेस लॉस्ट कलर फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शी ऑफन सैड लिटल प्रेयर्स क्वाइटली, वो अक्सर जो है खामोशी से मुख्तसर दुआ किया करती थी। अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, रोज़ाना सादा मामूली चीज़ों के लिए, वो अक्सर रोज़ाना मामूली चीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली चीज़ों के लिए खामोशी से मुख्तसर दुआ किया करती थी। एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज़ गॉड, या खुदा, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, उसे ये सोच दे दे कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर दाखिल हुआ। ही लुक्ड वेरी थिन, वो बहुत दुबला पतला दिखाई दे रहा था। ई वॉज नॉट स्माइलिंग, वो मुस्करा नहीं रहा था। द पुअर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22, वो अभी तक 22 बरस का ही था। एंड विद द फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसे एक ख़ानदान के लिए किफ़ालत करनी थी, और वो एक ख़ानदान के लिए किफ़ालत कर रहा था, या उसे एक ख़ानदान के लिए किफ़ालत करनी पड़ रही थी। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे एक नए कोट की अशद ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और सर्दियों में उसे अपने हाथों को ढांपने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर आकर रुक गया। ही वॉज अ क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, बिल्कुल एक शिकारी कुत्ते की तरह जब वो एक परिंदे के करीब आ जाता है। हिज आइज़ लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, उसकी आंखें जो हैं वो अजीब अंदाज से डेला की तरफ देख रही थी। एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम, और उनमें एक तासुर था, दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। इट फील्ड हर विद फेयर, इसने इसे खौफ से भर दिया, या वो जो आंखें थीं वो खौफ से लबरेज थीं। इट वाज नॉट एंगर नॉर सरप्राइज, उनमें ना गुस्सा था ना हैरत थी, नॉर एनीथिंग एल्स, और ना कोई ऐसी चीज़ थी, शी हैड बीन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ही सिंपली लुक्ड एट हर विद द स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, वो उसके ऊपर उसके चेहरे पर एक अजीब तासुर के साथ देख रहा था,
डेला वेंट टू हिम, डेला उसके पास चली गई। जिम डेयर शी क्राइड, प्यारे जिम वो रो दी। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ इस बिल ऐसे मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा लिए और इन्हें बेच डाला। आई कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें क्रिसमस का तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा उगेंगे। यू वॉन्ट केयर विल यू, तुम इनकी परवाह मत करो, है ना। माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल बहुत जल्दी उगाते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, जिम ये क्रिसमस का मौका है। लेट्स बी हैप्पी, खुश हो जाओ। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना उम्दा, व्हाट अ नाइस, कितना उम्दा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस और कितना खूबसूरत तोहफा लाई हूँ। यू हैव कट ऑफ यूर हेयर, आस्क जिम स्लोली, जिम ने आहिस्ता से पूछा क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। ही सीम टू लेबर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, ऐसा लगता था कि जैसे वो जो कुछ हो चुका था वो उसको जो है समझने की कोशिश कर रहा था। ही सीम नॉट टू फील श्योर न्यू, ऐसा लगता था कि जो कुछ वो जान चुका था वो उसे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, डेला ने कहा कि कटवा भी लिए हैं और उन्हें बेच डाला है। डोंट यू लुक मी नो, क्या आप तुम्हें मुझे, क्या आप तुम मुझे पसंद नहीं करते। आई एम मी जिम, जिम मैं खुद ही हूँ। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं अपने बालों के बगैर बिल्कुल वैसी ही हूँ। जिम लुकड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे में इर्द गिर्द देखा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सेड, उसने कहा क्या तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारे बाल चले गए हैं। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सेड डेला, डेला ने पूछा कि तुम इसकी तलाश, तुम इन्हें तलाश कर, तलाश मत करो या तुम्हें इन्हें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स सोल्ड आई टेल यू, मैंने कहा मैंने बेच दिया। सोल्ड एंड गॉन, बेच दिया एंड गॉन टू, और वो चले भी गए। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस, ये क्रिसमस की रात है या ये शब क्रिसमस है। बॉय प्यारे, बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बेच दिया है। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, शी सेड, उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे साल के बाल गिने जा सकते हों। बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड्स फॉर यू, मगर कोई भी मेरी चाहत को जो तुम्हारे लिए है काउंट नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। शैल वी ईट डिनर, जिम, जिम क्या हम रात का खाना खा लें। शैल वी ईट डिनर, जिम, जिम क्या हम रात का खाना खा लें। जिम फोल्डेड हिज आर्म्स बिफोर हिम, जिम ने अपने सीने पर अपने हाथ बांध लिए। फॉर 10 seconds लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, फॉर 10 seconds 10 सेकेंड के लिए लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, हमें दूसरी सिमत पर देखने दो। मुझे 10 सेकेंड के लिए दूसरी सिमत पर देखने दो। $8 अ वीक, हफ्तावार $10, आर अ मिलियन डॉलर्स अ ईयर, या सालाना लाखों डॉलर। हाउ डिफरेंट आर दे, ये किस कदर मुख्तलिफ हैं या इनमें कितना फ़र्क है। समवन मे गिव यू एन आंसर, शायद कोई मुझे जवाब दे सके। समवन मे गिव यू, शायद कोई तुम्हें जवाब दे। बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मेजाई कीमती तहाइफ लाते थे। बट दैट वॉज नॉट अमंग दैम, लेकिन वो उनके दरमियान नहीं थे। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सोन, मेरा मतलब बहुत जल्द जो है वो वाज़ हो जाएगा। फ्राम इन साइड हिज कोट, उसने अपने कोट से जो है एक चीज़ निकाली। फ्राम इन साइड हिज कोट, उसने अपने कोट के अंदर से। जिम टुक समथिंग टाइड एंड पेपर, जिम ने कागज़ में लिपटी हुई कोई चीज़ निकाली। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने इसे मेज़ पर उछाल दिया। केयरलेस फॉर यू, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, ही सेड, उसने कहा डेलो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, हेयर कट की तरह या तराशे बालों की तरह कोई भी चीज़ मुझे तुमसे लापरवाह नहीं कर सकती। बट इफ़ यू विल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इसे खोल लो
यू मीन नो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हें महसूस हो जाएगा, ठीक है, कि जो कुछ जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। यू मे नो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियों ने जो है कागज़ उतार लिया। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, और फिर खुशी के आंसू, खुशी की चीख आंसुओं में बदल गई। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहाँ जो है कंघियाँ धरी थी। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, वो कंघियाँ जिन्हें, वही कंघियाँ जिन्हें डेला एक दुकान की खिड़कियों से देखती थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कई अरसे तक उन्हें हासिल करना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश करती थी। ब्यूटीफुल कॉम्स विद ज्यूज परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के शायान शान हीरे जवहरा से जड़ी खूबसूरत कंघियाँ। शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, उसे मालूम था कि वो इतनी कीमती थी कि उन्हें ख़रीद नहीं सकती थी। शी हैड लुकड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग देम, वो उन्हें हासिल करने की ज़रा सी भी उम्मीद के बगैर उन्हें देखती रहती थी। एंड नो दे वर हर्स, और अब वो उसकी अपनी थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके बाल गायब थे। बट शी हेल्ड देम टू हर हर्ट, लेकिन उसने इसे अपने दिल से लगा लिया एंड एट लास्ट, और आखिरकार वाज एबल टू लुक अप एंड से, और ऊपर देखने और ये इतना कहने के काबिल हो गई। माय हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड ओहो, और फिर उसने छलांग लगाई और चीखी ओहो। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने अपने खुले हाथों से उसका तोहफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, यानी जिम का तोहफा डेला ने अपने खुले हाथों से उसकी तरफ बढ़ा दिया। द गोल्ड सीम्ड टू शाइन सॉफ्टली एज इफ दे हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, सोना इस कदर चमक लतीफ़ अंदाज से चमक रहा था कि जैसे वो अपने गदाज व मोहब्बत करने वाले जज्बात से धमक उठाओ, जैसे उसके गदाज व मोहब्बत करने वाले जज्बा से दमक रहा हो। इज़न्ट इट परफेक्ट जिम, क्या ये तुम्हारे शायान शान नहीं है, क्या ये शानदार नहीं है। आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने इसे तलाश करने के लिए पूरा शहर जो है छान मारा। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times a day, नो, अब तुम एक दिन में 100 बार अपनी घड़ी को देखना पड़ेगा, अब तुम्हें एक दिन में 100 बार अपनी घड़ी को देखना पड़ेगा। गिव मी योर वॉच, अपनी घड़ी मुझे दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस कदर, ये दोनों इकट्ठे कैसी लगती हैं। जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम बैठ गए और मुस्कराया। डेला सैड ही, उसने कहा, डेला लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे, आओ अपने तोहफे रखते हैं। एंड कीप देम अ वाइल, और इन्हें संभाल रखते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज़ नाउ, वो इस कदर उम्दा हैं कि अब उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय द कॉम्स, मैंने वो कंघियाँ खरीदने के लिए रकम हासिल करने के लिए वो घड़ी बेच दी। एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर, और अब मेरे ख्याल में हमें रात का खाना खाना चाहिए। द मेजर एज यू नो वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड, जैसा कि तुम जानती हो कि मेजाई नव मौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो तोहफे लाते थे वो अक्लमंद आदमी थे, वंडरफुली वाइज मैन हैरान कुन हद तक अक्लमंद आदमी थे। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, वो पहले थे जिन्होंने क्रिसमस के तोहफे दिए थे। बींग वाइज चूँकि वो अकलमंद थे, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइज वंस, उनके तोहफे भी बिलाशुबा शानदार थे। एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन,
और मैं यहाँ तुम्हें उन दो बच्चों की कहानी सुनाता हूँ हु वर नॉट वाइज, जो अकलमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने अपनी कीमती चीज, इंतहाई कीमती चीज़ बेच दी। ही ओन्ड इन आर्डर टू बाई अ गिफ्ट फॉर अदर, यानी उन्होंने एक दूसरे को के तोहफे ख़रीदने के लिए अपनी अपनी कीमती चीज़ें बेच दी। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ल्ड टू द वाइज ऑफ दिस डेज, लेकिन मुझे इन दिनों के उन कीमती आखिरी अल्फाज कहने दो। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड, लेकिन मुझे वो आखिरी अल्फाज, आखिरी लफ्ज़ कहने दो। टू वाइज ऑफ दिस डेज, आजकल के अक्लमंद आदमियों के लिए, लेकिन मुझे आजकल के अक्लमंद आदमियों के लिए, आजकल के अक्लमंदों के लिए वो आखिरी अल्फाज कहने दो। अफ़ाल हु गिव गिफ्ट्स, वो जो तोहफे देते हैं। दिस टू वर द वाइजेस्ट, वो अक्लमंद तरीन, वो दोनों अक्लमंद तरीन होते थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो जो तोहफे देते और लेते हैं। सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, और वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी हैं। एवरी वन एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वंस, हर जगह वो अक्लमंद आदमी हैं। दे आर द मेजाई, वो मेजाई हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सवालात के जवाब दें। हाउ मच डिड शी सेव फॉर क्रिसमस, वो क्रिसमस के लिए कितना कुछ जमा कर चुकी थी, या उसने, यानी डेला ने क्रिसमस के लिए कितना जमा कर लिया था। इसका आंसर, शी कुड सेव ओनली $1.87, उसने $1.87 जो है वो जमा कर सकी थी, वो $1.87 जमा कर सकी थी। क्वेश्चन नंबर टू है, वाई डिड शी फील प्राउड इन द ब्यूटी ऑफ आर एयर, वो अपने बालों की खूबसूरती पर फ़ख्र उसने क्यों महसूस किया, यानी वो अपने बालों की खूबसूरती पर क्यों फ़ख्र महसूस करती थी, अपने खूबसूरत बालों पर डेला क्यों नाज करती थी, क्यों नाजा थी। इसका आंसर, डेलाज हेयर लुक लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, डेला के खूबसूरत बाल, डेला के बाल सुनहरी पानी की आबशार, गिरती आबशार की तरह दिखाई देते थे। इट रीच्ड बिलो हर नी, ये उसके घुटनों तक पहुंच जाते थे। इट ऑलमोस्ट मेड इटसेल्फ इनटू अ ड्रेस फॉर हर, इसने तकरीबन, ये तकरीबन उसका लिबास बन चुके थे। शी फेल्ट प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर एयर, वो अपने बालों की खूबसूरती पर फख्र महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वाई डिड शी सेल हर एयर, उसने अपने बाल क्यों बेच दिए। वाई डिड शी सेल हर एयर, उसने अपने बाल क्यों बेच दिए। इसका आंसर है, शी सोल्ड हर एयर टू गेट मनी टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड एट क्रिसमस, उसने क्रिसमस के मौका पर अपने खावंद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, अपने रकम हासिल करने के लिए अपने बाल बेच दिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, वाई डिड जिम सेल द गोल्ड बार, जिम ने अपनी सुनहरी घड़ी, अपनी तलाई घड़ी क्यों बेच दी। तो इसका आंसर है, ही सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू गेट मनी टू बाई अ गिफ्ट फॉर हिज वाइफ एट क्रिसमस, उसने, यानी जिम ने अपनी बीवी डेला के लिए क्रिसमस के मौका पर तोहफा खरीदने के लिए, रकम हासिल करने के लिए अपनी घड़ी जो है वो बेच दी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वाई डिड दे वांट टू एक्सचेंज द गिफ्ट्स, वो जो है, वाई डिड दे वांट, वो क्यों चाहते थे एक दूसरे को गिफ्ट देना, यानी वो एक दूसरे को गिफ्ट क्यों करना चाहते थे, गिफ्ट क्यों देना चाहते थे, गिफ्ट क्यों पेश करना चाहते थे। अच्छा, इसका आंसर, दे कुड नॉट बी हैप्पी एट क्रिसमस विदाउट गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे को तहफ दिए बगैर क्रिसमस के मौके पर खुश नहीं हो सके थे। इट इज़ बिकॉज दे लव्ड ईच अदर, इसकी वजह ये थी कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वाई डिड शी फील सैड ऑन लूजिंग हर हेयर, वो यानी डेला अपने बाल खोने पर क्यों अफसरदा थी। इसका आंसर है, शी हैड अ लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके लंबे खूबसूरत बाल थे। शी वॉज सैड अबाउट लूजिंग देम, वो उन्हें खोने पर अफसुदा थी, रंजीदा थी। शी फेयर दैट हर जिम माइट हेट हर विदाउट हर हेयर, उसे खौफ था कि जिम उसके बालों के बगैर उससे जो है मोहब्बत नहीं करेगा, उसे नफरत करेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर व्हेन ही स्टेप्ड इन, जब जिम अंदर दाखिल हुआ तो उसने जिम को वेलकम क्यों नहीं किया, जिम को खुश आमदेद क्यों नहीं किया। जब जिम अंदर आया तो उसने डेला को खुश आमदेद क्यों नहीं किया। वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर, यानी जिम ने डेला को खुश आमदेद क्यों नहीं किया। व्हेन ही स्टेप्ड इन, जब वो अंदर दाखिल हुआ,
तो इसका आंसर है जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वॉज टर्न टू सी डेला विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। जिम ने डेला को इसलिए वेलकम नहीं किया क्योंकि वो डेला को उसके खूबसूरत लंबे बालों के बगैर देखकर हक्का बक्का रह गया था। ही हैड बॉट कॉम्ब्स फॉर हर हेयर, वो उसके बालों के लिए उसने उसके बालों के लिए कंघी खरीदी थी। बट हर हेयर हैड गॉन, लेकिन उसके खूबसूरत बाल गायब थे, बाल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड ही ब्रिंग आउट ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट से क्या चीज़ निकाली, उसने अपने कोट की जेब से क्या निकाला। व्हाट डिड जिम ब्रिंग आउट फ्रॉम हिज कोट, जिम ने अपने कोट से क्या निकाला। इसका आंसर है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट की जेब से कोट की पॉकेट से ही टुक समथिंग आउट टाइड इन अ पेपर, उसने एक कागज़ में लिपटी हुई चीज़ निकाली। दे वर ब्यूटीफुल कॉम्स फॉर डेला, वो डेला के लिए खूबसूरत कंघियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ ब्यूटीफुल वाज द गोल्ड वॉच चेन, गोल्ड वॉच चेन यानी तिलाई घड़ी की चेन जो है वो किस कदर खूबसूरत थी। तो इसका आंसर इट वाज प्लेन एंड सिंपल, ये गैर मरसा और सादा थी। इट हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, ये सादगी और कदर कीमत वाली थी। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, इसकी कदर कीमत उसकी जो है लताफत और खालिस मवाद होने की वजह से थी। इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली लाइक द वार्म फीलिंग ऑफ डेला, वो डेला के गदाज एहसासात की तरह लतीफ़ अंदाज में चमक रही थी, यानी ये जो सोने की घड़ी थी, सोने की चेन थी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, इंतहाई कीमती चीज़ों को बेचने में क्या अकलमंदी थी। बोथ द लवर्स वांटेड टू गिव अ गिफ्ट टू ईच अदर, दोनों मोहब्बत करने वाले, दोनों एक दूसरे को चाहने वाले, वो एक दूसरे को तोहफे देने की एक दूसरे को तोहफे देना चाहते थे। बट बोथ डिड नाट हैव एनी मनी, लेकिन दोनों के पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं थी, इसलिए वो जो है अपने उन्होंने अपने अपने अपनी अपनी कीमती चीज़ें उन्होंने बेच डाली थी। अच्छा जी, तो दे वाइजली सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, तो उन्होंने अक्लमंदी से अपनी अपनी कीमती चीज़ें तोहफे खरीदने के लिए बेच डाली। लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ट्रीटेड एज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द मेजाई वांट टू सेलिब्रेट देयर क्रिसमस, यानी हाउ डिड द मेजाई वांट, मेजाई कैसे चाहता था अपना क्रिसमस मनाना, यानी मेजाई किस तरह क्रिसमस मनाना चाहते थे। हाउ डिड द मेजाई वांट टू सेलिब्रेट देयर क्रिसमस, मेजाई अपना क्रिसमस किस तरह मनाना चाहते थे। तो इसका आंसर है द मेजाई वांटेड टू सेलिब्रेट देयर क्रिसमस बाय पेइंग होमेज टू द न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड, मेजाई जो है नौ मौलूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपना क्रिसमस मनाना चाहते थे। दे बॉट विद देम गोल्ड फ्रैंकिंसेंस एंड मैरा, वो अपने साथ सोना लुबान और खुशबूदार गोंद मर लाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच वर दे अटैच टू ईच अदर इन द स्टोरी, यानी कहानी में वो एक दूसरे से किस तरह अटैच थे, किस कदर अटैच थे, यानी इस कहानी में वो एक दूसरे से को के कितना गर्विदा थे। हाउ मच वर दे अटैच, यानी वो एक दूसरे के कहानी में वो एक दूसरे से किस तरह अटैच थे, किस तरह एक दूसरे के गर्विदा थे या कितना गर्विदा थे। उसका आंसर है बोथ द लवर्स लव ईच अदर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, दोनों मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत नाकाबले बयान है। दे सेल देयर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स टू गेट मनी टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदने के लिए रकम हासिल करने के लिए अपनी कीमती से कीमती चीज़ें उन्होंने बेच दी। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड दे सेल देयर ब्यूटीफुल थिंग्स, उन्होंने अपनी खूबसूरत चीज़ें क्यों बेच दी। ठीक है, उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें क्यों बेच दी, कीमती खूबसूरत चीज़ें क्यों बेच दी। तो इसका आंसर एज दे डिड नॉट हैव एनी इनफ मनी हैव इनफ मनी टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, चूँकि उनके पास एक दूसरे के
के लिए तोहफे ख़रीदने के लिए इतनी काफ़ी रकम नहीं थी। दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स टू गेट मनी टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे से के लिए तोहफे ख़रीदने के लिए रकम हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी कीमती से कीमती चीज़ें बेच दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में कहानी बयान करें। तो इसका आंसर है, डेला सेल्स हर हेयर टू बाय अ चेन फॉर द गोल्ड वॉच ऑफ हर हस्बैंड। डेला ने अपने खामंद की तलाई घड़ी के लिए चेन खरीदने के लिए अपने बाल बेच दिए। जिम सेल्स इज गोल्ड वॉच टू बाय कॉम्स फॉर हिज वाइफ्स ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। जिम ने अपनी बीवी के खूबसूरत लंबे बालों के लिए कंघियाँ खरीदने के लिए अपनी तलाई घड़ी बेच दी। दे आर द रियल मेजाई, वो हकीकी मेजाई थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का अखलाकी सबक क्या है। द स्टोरी टीचेज अस दैट, कहानी हमें ये सिखाती है कि यह बताती है कि लव इज़ द रियल वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, के ज़िंदगी में मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी में एक हकीकी कीमती चीज़ है। मटेरियल थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, मादी अशिया ज़िंदगी में इतनी कीमती नहीं है। द ट्रू एंड सिंसियर फीलिंग्स ऑफ लव आर इम्पॉर्टेंट, सच्ची और खालिस एहसास, मोहब्बत के सच्चे और खालिस एहसास अहमियत के हामिल हैं या अहम हैं।